फाइनली गाइस मेरा सफ़र ख़त्म हुआ, मेरी रानी अब किसी और की दीवानी होने वाली है। क्या बोले भाई, बोला भी नहीं जा रहा है यार, बहुत ही बुरा लग रहा है एक तरह से। तो क्या बोले, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चला गया होगा कि मेरा लास्ट व्लॉग है और बाइक की मैं सेल करता हूँ भाई। इतना टाइम हो गया यार, यूट्यूब पे वीडियो डालते डालते कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। और गाइस ये वही जगह है यहाँ से मैं जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था, यहाँ पर आता था वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए देख रहे होंगे आप, यहीं पर आता था। ये कुछ बैठने का स्टैंड वगैरह है, ये अपनी बाइक खड़ी है भाई, इसे देख के यार बेचने का मन नहीं कर रहा बाइक का, पर क्या करें यार, इतनी मेहनत कर ली यार, वीडियो कोई चल ही नहीं रही है, ब्लॉग इतने बना दिए कोई बात नहीं कर रहा, सपोर्ट ही नहीं कर रही है। चलो जिन्होंने सपोर्ट किया वो भी उनका भी थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी दिल से थैंक यू। और क्या बोले गाइस, बस बुरा लग रहा बहुत यार, बाइक सेल करनी पड़ रही है मुझे। मैं सोच रहा था यार मैं भी एक राइडर बनूंगा, पर क्या करें, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा यार आप सभी लोगों का, पर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका तहे दिल से शुक्रिया यार भाई। बस यही इतनी सी कहानी है मेरी यार, क्या बोलूँ, बस मूड बहुत सैड हो रहा है यार। देखिए गाइस बाइक देखिए एक बार भाई, देख के तो यार क्या कहूँगा, बस बाइक इतनी मस्त लगती है ना यार, दिल को छू गई थी ये बाइक। शायद लगता है मेरी बात मेरे मोबाइल को भी बुरी लग गई भाई, मैंने देखा इतनी धूप में वीडियो बना रहा था, मोबाइल भी ओवरहीट हो गया, वीडियो बन रही थी वो भी रुक गई। और वीडियो बनाने के लिए गाइस मैंने जो है पता नहीं क्या क्या नहीं किया है, मोबाइल मतलब पहले रियलमी के मोबाइल से वीडियो बनाता था भाई, उसमें क्लियरिटी जो है इतनी अच्छी नहीं आती थी। फिर उसके बाद मैंने आईफोन लिया, आईफोन 13, उसमें भी पैसे डाले थे, 70,000 का आईफोन लिया था और उसी में भी पैसे बर्बाद गए। ये भी किसी काम का नहीं है यार, वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैंने ये मोबाइल लिया था। अभी मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए थे वीडियो बनाने के लिए, और उससे पहले जो है रियलमी के मोबाइल से वीडियो बनाता था। तो अब ये भी इसका भी कोई काम नहीं है, यूज़ नहीं है मेरे पास भाई, फोटो का इतना मुझे शौक़ नहीं है कि भाई आईफोन से मैं फ़ोटो वगैरह शूट करूँ। वीडियो बनाता था भाई, इसकी वीडियो बनाता था बाइक की, और इसीलिए मैंने मोबाइल लिया था। अब आपसे पता नहीं कब मुलाकात होगी, चलो एक बार मैं बाइक का यार आपको साउंड दे देता हूँ, एक बार बाइक का साउंड सुन लीजिए। और क्या अभी करता हूँ बाइक को न्यूट्रल, मैं रामपुर से आ रहा था अभी, तो मैंने सोचा यार यहीं पर वीडियो बनाई जाए, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी थी अपने यूट्यूब के करियर की, यहीं पर आकर ख़त्म हो रही है। देखो भाई साउंड सुन लो इसका यार, लास्ट बार आता था मैं वीडियो शूट करने के लिए, चलो कोई नहीं यार। और देख रहे होगे भाई क्या बोले यार, मन एक ये ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, सोचा मैंने कि यार आपको मतलब अपनी फैमिली को बता दूं कि यार ये मेरा लास्ट ब्लॉग है, तो आज के बाद इस चैनल पे आपको वीडियो को देखने नहीं मिलेगी। और जब मैंने ये बाइक ली थी गाइस, तो यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने बाइक ये ले ली है भाई, यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैंने KTM RC मेरी फर्स्ट बाइक थी ये मेरी लाइफ की, अब लास्ट पता नहीं यार, अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है किसी और का भी लेने का कि भाई कोई और बाइक ले ले। और आज भी जब इस बाइक को मैं सेल कर रहा हूँ ना गाइस, तो सच में यार अंदर से मतलब मन ऐसा लग रहा है कि यार मत बेच, पर क्या करें यार, जब सोचा तो यही था मैंने कि यार मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगा यार, एक ना एक दिन अपना जो है चैनल चल जाएगा। पर चैनल पर काम करते करते 1 साल हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, और इतने कंटेंट बनाए बाइक से रिलेटेड, यहाँ था की ट्रिप भी करी थी, देहरादून भी गए थे और भी 2-3 जगह गए थे, पर कोई उसका फ़ायदा नहीं निकला, सब ऐसे के ऐसे रखा रह गया भाई। मैंने ये देखा जो बंदा मेहनत करता है ना उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, जो बंदा ऐसे उल्टी सीधी वीडियो डालता है उसे जो है उसके चैनल पर रीच भी अच्छी खासी मिलती है। और एक हम थे, हमारे चैनल पर कोई रीच वगैरह कुछ नहीं है, जितनी वीडियो आप सबको शेयर कर दी
फ्रेंड्स में व्हाट्सअप वगैरह पर, बस उन्हीं लोगों ने देख के भाई लाइक वगैरह कर दी वीडियो को। यूट्यूब ने कभी नहीं सोचा कि यार इसके चैनल पर भी जो वीडियो बनता है, मेहनत कर रहा है, उसे मतलब सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई उसने यूट्यूब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे लिए यार, मुझे यार यूट्यूब छोड़ना पड़ रहा है। पर और करूँ भी तो क्या यार, अब कोई काम करेंगे यार, स्टडी वगैरह करेंगे। स्टडी इसके चक्कर में मैंने स्टडी भी छोड़ दी यार यूट्यूब के चक्कर में, और फिलहाल अब तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा जितना सब कुछ था यार, माहौल सब ख़राब हो गया यार, सब पूरा मतलब सिस्टम ही ख़राब हो गया सच में यार। मतलब अंदर से ना बहुत रोना सा आ रहा यार एक तरह से यार, यार इतनी अच्छी बाइक है मैं यार इसे बेच रहा हूँ यार। मैंने लिया था इस वजह से कि यार मैं जो है वीडियो बनाऊँगा यूट्यूब पर, यार लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। बट यार अब सब धारा का धारा रह जाएगा। मेहनत ऐसे बात नहीं है कि यार मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने आप मेरे चैनल खोल के देखिए एक बार कि भाई मैंने कितनी वीडियो बनाई है, कितनी मेहनत करी है इस चैनल पे। भाई सुबह में ठंडों में यहीं पर आता था मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर, फिर कुछ टाइम बाद मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लॉन्ग वीडियो भी काफ़ी हो गई बाइक रिलेटेड, जितने भी मेरे चैनल पर वीडियो थी सब बाइक रिलेटेड वीडियो थी। और देख रहे हो इस समय कितनी धूप हो रही है, चलो कोई बात नहीं, आज के बाद ये भी जो फेस करना नहीं पड़ेगा मुझे कुछ भी। भाई मोटो ब्लॉगिंग तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, किसी का सपोर्ट ही नहीं मिला मुझे इतना। 4,500 की फैमिली थी यार चैनल पे, व्यूज़ आ रहे हैं भाई 40-45, 4,500 की फैमिली पर 40-45 व्यूज़ आएंगे तो बंदा जो है डीमोटिवेट तो होगा ही, और क्या करेगा। तो वही मेरे साथ हुआ, मैं भी भाई डीमोटिवेट हो गया हूँ पूरी तरह से। बस ऐसे यार अब चलो भाई इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और देखते हैं आपसे मुलाकात अब हो पाए। ठीक है, बाय।